बहुत ख़ास नुस्खा आज मैं आपको देने लगा हूँ जो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता भी है और कारगर भी है। अज़हरी दवाखाने की जानिब से मैं हूँ हकीम मोहम्मद इस्बान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए हर रोज़ कोई ना कोई बेहतरीन नुस्खा चुन के लाता हूँ। आज हम धातु रोग का एक ऐसा नायाब और कीमती इलाज लेके आए हैं जो 100% कारगर है। आपको इसमें चंद चीज़ें लेनी हैं और इसका कमाल बहुत ही ज़्यादा है। सबसे पहले आपको इसमें लेना है कीकर की फली जो साबुत हो और उनको साय में खुश कर लिया गया। नंबर दो, इसमें आपको कीकर के पत्ते लेने हैं, पोंपले जो होती हैं उनको भी साय में खुश कर लिया गया हो। नंबर तीन, इसमें आपको इमली के बीज लेने हैं जिनको भून लिया गया हो। नंबर चार, इसमें आपको सिंघाड़ा खुश्क लेना है। नंबर पाँच, आपको बड़ का दूध चाहिए। इन तमाम अदविया को आप हम वज़न ले लें बड़ के दूध को छोड़कर। बड़ का दूध बकदर ज़रूरत लें जितनी आपको ज़रूरत है। तमाम अदविया को आप हम वज़न लेंगे और हम वज़न लेने के बाद बारीक करके कूट पीस कर सफूफ तैयार करें और बड़ के दूध में इतना उसको गूंदें कि वो गोली बनने के काबिल हो जाए। और जब वो गोली बनने के काबिल हो जाए तो फिर उसकी आप जंगली बेर के बराबर गोलियां बना लीजिए। एक से दो गोली सुबह शाम गाय के दूध के साथ में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपके धात में, जरियान में, ज़कावत हिस में और क़ुव्वत बाह में भी इजाफा करता है। ये तमाम चीज़ों के लिए कारामद है। आप इसको इस्तेमाल करें 40 दिन तक और फिर इसका कमाल देखिए। मैं समझता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी।